हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सलमान शोकन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कि यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच था और दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट गेम स्पेशली इन वर्ल्ड कप। और ये हो भी न्यूयॉर्क में रहा है, आई मीन कैनेडा, तो इट्स लाइक नेबर कंट्री में हो रहा है इस दफ़ा। तो ऑब्वियसली आई वॉज़ लाइक वेरी मच एक्साइटेड और बहुत तैयारी की थी मैंने अपने ग्रुप के साथ। हम लोग पूरा ग्रुप दोस्तों का गए थे सिनेमा के अंदर, यहाँ पे एक्चुअली सिनेमाज़ के अंदर बहुत अच्छा एक माहौल बना के उन्होंने वर्ल्ड कप का मैच लाइव दिखाया था पाकिस्तान इंडिया का। तो ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन हम लोगों को बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हुई है। और वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा था, माहौल अच्छा था, हम लोग इन्जॉय कर रहे थे बिकॉज पाकिस्तान ने जो फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच था वो बहुत अच्छा खेला था। बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी की थी, ऑन टारगेट की थी। और किसी भी बॉलर की बात करूं, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, फिर इमाद वसीम को भी क्रेडिट देना चाहिए। तो दे बॉल रियली वेल। बॉलिंग डिपार्टमेंट ने तो अपना काम पूरा बहुत अच्छे से किया। आई गेस पिच जैसा भी था, आई नो कि हम लोग काफ़ी वर्ल्ड कप के डे 1 से हम लोग ये बोल रहे हैं कि न्यूयॉर्क की पिचेस बहुत टफ हैं फॉर बैटिंग किसी भी टीम के लिए। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग ये देखें कि इंडिया की बैटिंग कितनी स्ट्रांग है, लाइक एंड तक अक्षर जटेजा तक वो तकरीबन नंबर 8-9 तक उन लोगों की बैटिंग आती है। और उस तरह की बैटिंग लाइनअप को अगर हमारी बॉलिंग ने 119 के ऊपर ऑल आउट किया, ऊपर से 20 ओवर्स पूरे भी नहीं होने दिए, ऑल आउट किया है, तो दैट मीन्स कि हम लोगों ने परफॉर्म अच्छा किया है। फर्स्ट हाफ हम लोगों ने बहुत अच्छे से किल किया है और वी आर वेल इन द गेम। बट उस चीज़ के बाद जब सेकंड हाफ आता है और हम लोगों की बॉडी लैंग्वेज थी ही नहीं। अगेन जो हर क्रिकेट एक्सपर्ट जो भी न्यूज़ चैनल के ऊपर एक तबसरा कर रहा है, बोल रहा है, वो अहमद शहजाद हो, कामरान अकमल हो, बासित अली हो, कोई भी हो, हर बंदा यही बोल रहा है कि बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर बहुत क्वेश्चंस हैं डे 1 से। और हम लोगों को आज मैं इतना एम्बेरस फील कर रहा था वहाँ में सिनेमा के अंदर। वाई? बिकॉज यार हम लोग किसी तरह भी नहीं जीत सकते। फर्स्ट हाफ हुआ, लिटरली मेरे साथ जो इंडियन फैंस बैठे हुए थे वो साफ बोल रहे थे कि ब्रो आप लोगों ने गेम ले लिया, आप लोग गेम जीत चुके हो। वो लोग तो मतलब कि इतना छोड़ चुके थे होप, हर तरह का होप छोड़ चुके थे कि हमारा यहाँ से कोई भी चांस बन सकता है। स्पेशली जब बाबर और रिजवान ने थोड़ा अच्छा स्टार्ट किया, 30-31 के ऊपर आई गेस हम लोगों ने पहली विकेट लॉस की थी और उसके ऊपर तक भी लाइक 50 के ऊपर भी हमारी 50+ के ऊपर हमारी सेकंड विकेट गिरी थी उस्मान की। हम लोग वेल इन द गेम थे। बट अगेन बाबर आजम की कैप्टनसी, ऑब्वियसली जो भी बैट्समैन चल रहा था उसको बाबर आजम की इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए थी, बाबर आजम को उसको गाइड करना चाहिए था कि किस तरीके से क्या अप्रोच होनी चाहिए। इवन के पोस्ट मैच सेरेमनी के अंदर जब बाबर आजम का इंटरव्यू किया गया उसके अंदर भी उसने ये चीज़ बोली कि हमारा प्लान था जी बॉल टू बॉल चलने का। ब्रो क्यों बॉल टू बॉल क्यों चलना है जब आपके सामने टारगेट छोटा है? और जब ये बैटिंग करने आए, जब आपने देखा कि रिजवान और बाबर दोनों जब खेल रहे थे तो बॉल अच्छा खासा बैट पे आ रहा था। फर्स्ट 2 बॉल्स के ऊपर ही रिजवान ने पहले ड्राइव किया, 3 लिया, फिर बाबर ने किया, तो उधर से पिच काफ़ी डिफरेंट था जब इंडिया बैट कर रहा था उसकी निस्बत। बट आपकी स्ट्रेटेजी ही यही थी कि हम लोगों ने जाके पहले ही बॉल टू बॉल खेलना है। अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड रन रेट बॉल टू बॉल है, आई एग्री, बट आपको थोड़ा सा अटैक करना है, थोड़ा सा स्पेस रखना है जिससे आने वाले मिडल ऑर्डर, यू गाइज नो कि मिडल ऑर्डर हमारा स्ट्रगल कर रहा है। वो आयरलैंड की सीरीज हो, वो इंग्लैंड की सीरीज हो या यूएसए का मैच हो, हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे उसके ऊपर। बट स्टिल आप लोगों ने उस चीज को भुला ही दिया कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरा, हमारे पास बैट्समैन प्रॉपर नहीं थे आज। आप लोगों ने उस चीज़ को सोचा ही नहीं कि हम लोगों के पास किसी किस्म का प्रॉपर मिडल ऑर्डर नहीं है। शदाब है, इमाद है, हम लोग वैसे ही आजम को निकालने के बाद एक बैट्समैन कम लेके आज चल रहे थे। तो शुरू में अटैक करो। रिजवान खेल रहा है, 44 बॉल्स के ऊपर अराउंड 30-31 स्कोर किया है। वो जब उसको पता है जब आपने इतनी बॉल्स खेली हैं तो इट ऑलमोस्ट लेकर आपने 9-10 ओवर्स खेले हैं, फेस किए हैं, तो आपको पता है कि पिच किस तरह बिहेव कर रहा है, आप वेल सेटल्ड हो। तो इस टाइम आपकी ड्यूटी है कि आप मैच को एंड तक लेके चलो और 20 ओवर्स तक स्टैंड करो और मैच को फिनिश करके जाओ। कहने को हम आईसीसी रैंकिंग के अंदर वन ऑफ द टॉप रैंक बैट्समैन आते हैं, कहने को हम पाकिस्तान के बेस्ट ओपनर्स हैं और पता नहीं किधर से बेस्ट ओपनर्स हैं, क्योंकि लास्ट लाइक 3-4 साल से ये ओपनिंग पेयर चल रहा है और उसके बारे में हम लोग यही क्वेश्चंस कर रहे हैं। हर फैन बोल रहा है कि ये ओपनिंग पेयर अच्छा नहीं है। हम लोगों ने साइम अयूब को लेकर जाते हैं, साइम अयूब को 4 सीरीज से साथ रखा है, हमने उसको 25-26 मैचेस दिए। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो वर्ल्ड कप के ऊपर आप कोई और अल्टरनेटिव लेके जाओ। अगर आपको पता है कि ओपनिंग बाबर और रिजवान ने ही करनी है तो एक मिडल ऑर्डर का बैट्समैन कोई भी लेकर जाओ जो आपको परफॉर्म करे वहां पे। अब अगर आपने 100% डिसाइड किया हुआ है कि बाबर और रिजवान ओपनिंग करेंगे तो साइम अयूब जैसा बंदा आपको लेके ही नहीं जाना चाहिए स्क्वाड में। वो बेंच के ऊपर बैठ के क्या करेगा? अब आजम खान नहीं परफॉर्म किया, आपके पास सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। बेंच के ऊपर एक भी प्रॉपर मिडल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं है जो किसी जगह से किसी प्लेयर लाइक इफ्तिखार आजम के साथ रिप्लेस कर सको। स्क्वाड सिलेक्ट करने से पहले आप लोगों ने कुछ नहीं सोचा। फिर भी लाइक जो भी सिलेक्शन थी, जो भी था, वी वर वेल इन द गेम इंडिया के साथ। और उस्मान आउट हुआ, बाबर आउट हुआ, ओके। फिर आता है फखर भाई। फखर भाई, आप हमारे जितने एक्सपीरियंस प्लेयर अभी आप हो, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी प्लेयर को नहीं है इन दिस स्क्वाड, आई मस्ट से। अब आप आते हो, आपने देखा आपके बैट पे बॉल आ रहा है, आपने अक्षर को अच्छा हिट किया, एक स्ट्रेट हिट मारा और उसके बाद आपने हार्दिक को भी अच्छे 1-2 बाउंड्रीज मारी। आपका बैट चल रहा था, आपको क्या जरूरत थी पेस के ऊपर अटैक करने की जब आपको पता है कि एक स्पिन का भी एक और ओवर पड़ा है, हम उसको टारगेट अच्छी तरह करके अपनी बॉल्स का गैप स्कोर से कम कर सकते हैं। आपको अटैक करने की क्या जरूरत है जब बॉल का पिच का जो बाउंस है वो इवन नहीं है, कभी ज्यादा बाउंस कर रहा है, कभी नहीं बाउंस कर रहा बॉल। तो आपको आगे आके कितनी गंदी तरह की स्ट्रोक खेलने की क्या जरूरत थी? मुझे तो पहले फखर की वो बात समझ नहीं आई। उसके बाद नीचे आ जाते हैं रिजवान की, एज ए मेंशन कि भाई तू इतना सेट है, तुझे गेम को एंड तक लेके चलना है, तो किस तरह की बॉल के ऊपर इस तरह की पिच पे जहां पे बाउंस आपको नहीं समझ आ रही, आप स्वीप कर ही नहीं सकते हो, और वो भी तो बुमराह के अगेंस्ट कैसी शॉट खेल रहा है। आई डोंट नो कि वो क्या सोच के वो शॉट खेलने गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं शादाब की, और सबसे बड़ी बात मैं अगर करूं इफ्तिखार की, इफ्तिखार को आई गेस हम लोग 2021 के वर्ल्ड कप के बाद से साथ लेकर चल रहे हैं। मुझे एक मैच नहीं नजर आता जिसमें इफ्तिखार ने परफॉर्म किया हो और अपनी टीम को मैच जितवाया हो। जब उसकी जरूरत आती है वो मतलब कि परफॉर्म नहीं करता। और उसकी एवरेज निकालो, स्ट्राइक रेट उसका अच्छा है, आई एग्री, बट स्ट्राइक रेट के साथ साथ एक कंसिस्टेंसी भी होती है जो कि इस तरह के प्लेयर को होनी चाहिए। हमने आसिफ अली को बाहर निकाला, क्यों निकाला? कि वो कंसिस्टेंट नहीं था, एक मैच में हिट कर रहा है, दूसरे में वो नहीं कर रहा। अगर यही सेम रीजन थी तो हम इफ्तिखार को लेकर क्यों चल रहे हैं साथ, मुझे नहीं समझ आ रही। इफ्तिखार ने पहले अगर मैं यूएसए के मैच की बात करूं तो सुपर ओवर के अंदर जिस बॉल पे वो आउट हुआ है दैट वाज अ फुल टॉस, और किसी भी इस तरह के स्टेज के ऊपर किसी भी जो फिनिशर, इफ्तिखार फिनिशर के तौर पे खेल रहा है, इस तरह के प्लेयर को फुल टॉस मिल जाना इज अ लाइक वेरी इजी बॉल कि हम इसको हिट करके ग्राउंड से बाहर निकाल सकते हैं। यूएस में उससे हिट नहीं हो सकी। फिर उसके बाद आज भी बुमराह की अगर मैं बात करूं, जिस ओवर में वो आउट हुआ 19th ओवर था, तो बुमराह ने उसको 3 फुल टॉसेस दी, 3 फुल टॉसेस, जिसके अंदर 2 तो उसने मिस की, कंप्लीटली बॉडी पे बॉल लगा और उसने मिस की, तीसरा बैट के साथ टच हुआ ही है तो मतलब कि सीधा कैच गया। आप किस तरह के फिनिशर हो, हम किस तरह की स्क्वाड लेकर चल रहे हैं। मेरा चैनल क्रिकेट के ऊपर नहीं है बट आज मैं इतना एम्बेरस और इतना फ्रस्ट्रेटेड था इन लोगों की परफॉर्मेंस देख के कि यार हम लोगों को गेम अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी बंदे को गेम अवेयरनेस नहीं थी। इमाद आया, इमाद ने अच्छी खासी डॉट बॉल्स किए। यार जिस तरह का स्कोर था, आप लोग सिर्फ 1 और 2 लेके चलो, आपके हाथ में था गेम। आप लोग पहले तो कंसिस्टेंटली आपने बॉल्स मिस करते रहे हो, डॉट करते रहे हो, जब एंड पे प्रेशर आया फिर आप लोग सारे गेम बॉल टू बॉल आउट होते रहे हो। यार आप लोगों से अच्छा तो नसीम शाह, शर्म आनी चाहिए हमारे जो प्रॉपर बैट्समैन हैं कि उन लोगों से एक हिट भी नहीं हुआ। आई गेस लास्ट 42 बॉल्स के अंदर हम लोगों ने, पाकिस्तान ने सिर्फ 2 बाउंड्रीज मारी हैं, 2 4s मारे हैं, कोई छक्का नहीं मारा, कोई 6 नहीं, 2 बाउंड्रीज मारी हैं। एंड इमेजिन व्हाट, वो दोनों बाउंड्रीज 19.4 और 19.5 बॉल के ऊपर नसीम शाह ने मारे। नसीम शाह ने इजीली पीछे हिट मार के चौका किया, फिर एक ऑफ साइड पर फोर उसने मारा और अर्शदीप को लास्ट ओवर के अंदर। अगर वो हिट कर सकता है तो आप लोगों को शर्म भी आनी चाहिए और सोचना भी चाहिए कि हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और इस तरह की हरकत करके। आई डोंट नो कि क्या स्क्वाड सिलेक्शन किस बेस पे किया था, मुझे नहीं समझ आ रहा। आपका जो इस तरह की सिचुएशन के ऊपर बेस्ट बैट्समैन है लाइक सलमान अली आगा है, आपने उसको पूरा बाहर निकाल के रख दिया, उसको ट्रैवल रिजर्व में डाल दिया कि वो अगर जरूरत होगी तो हम उसको लेके। भाई स्क्वाड क्या है, आप लोग 5 फास्ट बॉलर्स को लेके चल रहे हो जिसके अंदर मैं कहता हूँ कि बिल्कुल भी हम लोगों को बिल्कुल अच्छा बॉलर है अब्बास अफरीदी, बट स्क्वाड की जरूरत के मुताबिक हम लोगों ने बैटिंग ऑर्डर के ऊपर फोकस ही नहीं किया। हम लोग पहले 4 से 5 ऑर्डर बैट्समैन के बाद हम ऑलराउंडर्स में आ जाते हैं और वो भी वो ऑलराउंडर्स हैं जो बैट्समैन लाइक बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, जो बैटिंग जो है ना वो कंसिस्टेंटली नहीं करते किसी भी टीम को रिप्रेजेंट करते हुए। शादाब को टीम में क्यों रखा जा रहा है आई डोंट नो। जो भी टू बी ऑनेस्ट मैं आज तक एक चीज पे बिलीव नहीं करता था, जो भी ARY पे या दूसरे टीवी चैनल्स पे बोलते हैं कामरान अकमल अहमद शहजाद, लिटरली मैं यही सोचता था कि वो जो बोलते हैं ना ग्रुप बंदी चल रही है, टोले चल रहे हैं, वो मैं लिटरली यही सोचता था कि वो लोग यार जस्ट फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं टीम में ना होने की वजह से। बट आज एक चीज ये दोनों मैचेस देखने के बाद प्रूव होती है कि पाकिस्तान वाकई ही ग्रुपिंग में और टोलों की सूरत में पाकिस्तानी टीम चल रही है। अगर यही हाल रहा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर नहीं है। हम लोग इस वर्ल्ड कप से तो ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं, बट फॉर फ्यूचर हम लोगों को सोचना पड़ेगा। हम लोगों को मिडल ऑर्डर से लेके ओपनर्स तक मैं समझता हूँ राइट नाउ हम लोगों को नंबर 1 से लेके नंबर 7-8 तक जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं उन सब को हम लोगों को बाहर निकाल के या उन लोगों के कंप्लीटली माइंड वॉश करके एक प्रॉपर कैप्टन नया कोई आना चाहिए जो बाहर से हो या कुछ भी करो, बट हम लोगों को A to Z अपना गेम प्लान, अपना बैटिंग ऑर्डर, अपने जो पोजीशंस हैं जिस पोजीशन पे हर बैट्समैन खेलता है वो चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोगों की क्रिकेट बहुत डाउन जा रही है और हम जैसे फैन तब तक फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे और बोलते भी रहेंगे जब तक इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। दिस इज वन ऑफ दी थिंग्स जो हम लोगों को एक्साइट करती है और हम लोग इस तरह के इवेंट्स का, ICC इवेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि पाकिस्तान की टीम आएगी, वो परफॉर्म करेगी और हम लोग नंबर 1 टीम्स में शुमार होते हैं T20 की जब स्पेशली बात आती है। और अभी हम लोग पहले 2 गेम्स वर्ल्ड कप की खेल के तो 99% आई मस्ट से हम लोग बाहर हो चुके हैं वर्ल्ड कप से। तो ये हमारे वर्ल्ड कप की और क्रिकेट की सिचुएशन है। तो वी हैव टू थिंक और प्लीज लाइक पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर थोड़ा सा लिहाज करो, जो भी सिलेक्टर्स हैं जो भी है मैं मुझे नहीं पता, बट वी हैव टू थिंक अबाउट इट और हम लोगों को जल्द ही कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। सो होप फॉर द बेस्ट। आई नो हम लोग आगे नहीं जा सकते बट आई वॉज कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड और जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है टू बी ऑनेस्ट लास्ट बार पाकिस्तान की जो टीम की परफॉर्मेंस है, जो सिलेक्शन है, हम लोग डिजर्व ही नहीं करते Super 8 में जाना। लिहाजा आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, बाय।